अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आ गया कतारा क्यों, तो ये है कतारा का गिफ्ट बॉक्स। इसके अंदर बच्चों के वास्ते, 5 से 12 साल के बच्चों के वास्ते एक्टिविटीज है। इसकी टिकट जो है 70 रियाल्स है, अप्रॉक्स कुछ 70-100 होगा। तो इसके अंदर पूरे एक्टिविटीज है, जैसा कि वाटर एक्टिविटीज हो गए खेलने के वास्ते। अच्छी जगह ये है, वीकेंड पे फुल रहता है पूरा। तो ये जो है फैल्कन हाउस है, इसको फैल्कन की टोपी के ऐसा बना है, पूरा ज़बरदस्त दिख रहा है। इसमें फैल्कन एग्जीबिशन होती, तो जो डेट्स रहते वही डेट पे होती, अभी तो क्लोज है ये। तो ये है टेस्टी स्ट्रीट, इसमें छोटे छोटे दुकान बने हुए चाय के खाने के। तो ये जो पीछे की स्ट्रीट है ये पूरी एसी की स्ट्रीट है, इसमें गर्मी नहीं होती, पूरा एयर कंडीशनर स्ट्रीट है ये। पीछे से ज़बरदस्त बनी हुई है और ठंडी है एकदम, चले तो सुकून दिख रहा है ऐसा। ये जो है पिजन्स के आस्ते है, अंदर पानी रहता है, नलके जैसा बना है, एक जबरदस्त है स्ट्रक्चर। तो ये है कतारा की गोल्डन मॉस्क, क्या बनाई है माशाल्लाह। जो है पूरा विलेज थीम पे बने हुए हैं, छोटे छोटे घरों और पूरा ऐसा गलियों के ऐसा स्ट्रीट्स बने हुए हैं। तो इसको जो है पूरा शॉप्स बने हुए हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स है, कॉफ़ी शॉप्स है। इसके अंदर अच्छा बना है, दिखने में बहुत प्यारा दिख रहा है। इसके अंदर से चले पूरा विलेज टाइप फील आ रहा है इसमें। तो ये है एम्पी थिएटर, बहुत ज़बरदस्त बने हुआ है ये। ज़बरदस्त है ये, इसके एकदम मिडिल में ठहरे हुआ मैं, ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से व्यू। कुछ भी प्रोग्राम हुआ तो सही दिखता, पीछे कॉर्निश है, फाउंटेन है छोटा, घुमा दिख रहा है इधर। तो ये एक और मॉस्क है, ये ब्लू मॉस्क है, ये भी बहुत प्यारी बनी हुई है। इसमें एक जुम्मे की नमाज पढ़ा मैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये मस्जिद। देख रहे हैं कितना ग्रीन है माशाल्लाह, इतनी ग्रीनरी मेंटेन करके रखेंगे लगा इतने समर में भी। तो खतर एक गल्फ कंट्री रहने के बाद भी लगा अच्छा ग्रीनरी मेंटेन करके रखते हैं यहाँ पे। कतारा में दो है पार्क हैं बड़े बड़े, नॉर्थ हिल, साउथ हिल पे पूरा अच्छा ग्रीन है। देखे तो आँखों को ठंडक पड़ी, मगर आज ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना पसीना आ गया फिरते फिरते। देखेंगे वाटरफॉल है इधर, वाटरफॉल करने जाएंगे। तो ये है वाटरफॉल, ये पूरा ऊपर से आ रहा हिल पे से, ऊपर जाएंगे यहाँ नीचे आके ख़त्म होता है यहाँ पे। ये आ रहा वहाँ पीछे से स्टार्टिंग है, मगर यहाँ से कंटिन्यू होके पूरा नीचे तक जा रहा हो।
तो ये हिल के ऊपर से ऐसा है व्यू, ह्यूमिडिटी बहुत रहने की वजह से पीछे के बिल्डिंग आने दिख रहे, उधर की साइड बीच है वो बिल्डिंगों का नहीं। तो फाइनली मेरे को गर्ल्फ राइड मिल गई, गर्ल्फ राइड मिलने की वजह से बीच पे आ गया मैं। ज़बरदस्त व्यू देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये है कतारा का बीच, और इधर की साइड बोट राइड भी है, बोट राइड भी ले सकते हैं अपन समंदर की। तो ये मेरे पीछे है खतर प्लानिटोरियम, इसके अंदर जाएंगे। स्पेस सूट है और ये है पूरे प्लैनेट्स। तो ये अर्थ है, लाइफ दिख रहा है एकदम गोरा सो ऐसा बना है। ये चांद के दो टुकड़े हुए सा मॉडल बने हुआ है, माशाल्लाह क्या बना है, डिटेलिंग अच्छी है। एंड बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो गया साउथ पोल पे, प्राउड मोमेंट था इंडियंस के वास्ते बहुत। और ये अलग अलग किस्म के टेलीस्कोप्स रखे हुए हैं यहाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है यहाँ पे, पूरे मुस्लिम स्कॉलर्स साइंटिस्ट की हिस्ट्री है, किसके भी बारे में अपन जानना है तो क्लिक करके पढ़ ले सकते, इंटरेस्टिंग। योर वेट ऑन द प्लैनेट्स चेक करेंगे अपना कितना है। मून पे 19.60, मून पे चल जाना बोल रहा हूँ मैं। ये इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा बना के रखे, पूरा एक्सप्लोर कर ले सकते हैं अपन प्लैनेट्स को भी, मार्स को एक्सप्लोर करेंगे। स्ट्रक्चर प्लैनेट सिस्टम स्ट्रक्चर, ये अच्छा है एनिमेशन स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल टाइम के स्टार्स बता रहा है ना, एक्चुअल टाइम। ये पुराने ज़माने की कंपास और कुछ इक्विपमेंट्स है। ये पुराना टेलीस्कोप है, कितना पुराना है कि छोटा छोटा लिखा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा। तो अब वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया, यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर पीस आउट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।